हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास नाइन्थ का जो मिड टर्म का एग्जाम होता है साइंस का, तो उसके एमसीक्यू यहां पर बता रहा हूं। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं, मॉर्निंग वाले और इवनिंग वाले इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वायु में जो उपस्थित पानी की जो मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है ना, इनमें से कौन सा जो गुण है ना वो कंपाउंड का नहीं होता। जैसे यहाँ पे कंपाउंड के बारे में आया तो डियर आपसे मिक्सचर का पूछ सकते हैं जो इवनिंग वाले हैं। तो यहाँ पर ना आने पर क्वेश्चन भी नहीं होता, जैसे आपने डिफरेंस पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें स्थाई होता है, नए पदार्थ गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखो आपको बताओ, कंपाउंड डेफिनेट होता है और जो मिश्रण होता है ना वो किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है। और यहाँ पे इन्होंने मिश्रण के बारे में लिख दिया, क्वेश्चन मतलब कौन सा कंपाउंड के बारे में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं जब कोई पदार्थ जिसने ना बुक से पढ़ने के लिए समझा है उसे अच्छे से करा, वही पेपर अच्छे से कर पाएगा। जब कोई पदार्थ भौतिक परिवर्तन से गुजरता है, मतलब फिजिकल चेंज होता है, क्या होता है, फिजिकल चेंज, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन से पढ़ने पड़ते हैं, तो कौन सी ट्रू है, ट्रू पूछ रहा है। देखो फिजिकल में कलर चेंज नहीं होता, ठीक है, इस बॉयल हमेशा उबलता है, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, नया पदार्थ बनेगा नहीं, केमिकल में बनता है नया पदार्थ। तो ये कह रहा है इसमें इसका ट्रू पूछ रहा है, ट्रू इसका कॉम्पोजिशन सेम रहता है, जैसे पानी से बर्फ बना तो बर्फ से पानी वापस बन जाएगा, क्योंकि उसका मेन स्ट्रक्चर जो इसका जो जिसका वो बेस है वो वही रहेगा, इसलिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, पादप कोशिका जंतु कोशिका की तुलना में कठोर होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि उनमें सेल वॉल होता है। ठीक है, क्योंकि पौधों में ना डबल लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा ही होगा, अब मैं इसके बारे में डिस्कस क्या करूँ। ठीक है, चलो ये सेल वॉल के बारे में दे रखा ना, ये कोशिका भित्ति बोलते हैं, तो इस तरीके से ये। ठीक है, आप में आ सकता है कि सेलेक्टिव रिमेम्बर मेम्ब्रेन क्यों होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दे सकता है। तो ये कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो हमारा जो नर्व सेल है वही है सबसे लंबी। उसके बाद यहाँ पर देखो बोल रहा है कि जैसे उत्तक है ना, उत्तक, तो बहु कोशिकी जीवों में उत्तक की उपस्थिति क्यों चाहिए, ताकि हमारी बॉडी अलग अलग काम कर पाए, क्या कर पाए, डिवीजन ऑफ लेबर। पूरा पूरा पढ़ के मैं नहीं बता पाऊंगा, टाइम थोड़ी शॉर्टेज है। ठीक है, तो आंसर मैच कर सकते मैच कर लो। देखो मैथमेटिक जो टिश्यू होता है ना, ये मैथमेटिक जो टिश्यू होता है ये ग्रो करता रहता है, ग्रो करता रहता है, ग्रो करता रहता है, एक बार बताता हूँ। लेकिन जब वो ग्रो करना बंद हो जाता है वो परमानेंट बन जाता है, क्या बन जाता है, परमानेंट बन जाता है। तो आपको वो पता होना चाहिए परमानेंट के बारे में। ठीक है, तो परमानेंट वाले कौन से होते हैं, पैनकाइमा, कोनकाइमा, स्कैनकाइमा, और पानी में कौन से तैरते हैं, एरनकाइमा। खाना किसकी वजह से बनता है, जो पौधे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, क्लोरेनकाइमा। तो आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसका आंसर भी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ इनकैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी का तो समझ में आई जानी चाहिए कि एक तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। और अगर आपसे पूछेगा डिस्टेंस और टाइम इसका क्या कहलाएगा, आप इसको चेक करो और अपने आप मुझे बताओ क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बोला 20 मीटर है। ठीक है, तो अब इसने बोला कि देखो अगर कोई चीज यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ से वापस आ गई तो उसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस 40 होगी। तो यहाँ पर ये बोला है कि चेंज इन पोजीशन क्या होगी, वापस वही होगा ना, जीरो हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और डिस्टेंस कितनी होगी, 40 होगी। तो इसके अंदर भी आएगा विस्थापन जीरो हो जाएगा, भले आपको सर यहाँ पर विस्थापन लिखा था मुझे पता लग जाता, तो वही तो बोल रहा है विस्थापन की स्थिति में परिवर्तन मतलब शून्य हो जाता अगर वो वापस वही जगह पर आ जाए। ठीक है, तैकी की दूरी कितनी होगी, 40 होगी। फिर ये कह रहा है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो एक समान वेग से गति कर रही है, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है कि एक लड़का है 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो 15 मीटर पर सेकंड तक तेजी तक मतलब त्वरण कर रहा, तो बताओ क्या होगा। देखो पहले यू शुरू का यू था, बात का भी टाइम दे रखा है टी, तो एक्सलेशन फॉर्मूला क्या था, वी माइनस यू अपॉन में टी, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। मैंने कर भी दिया यहाँ पर 15 - 10/5 एक आंसर आ जाएगा। देखो आपको तीन फॉर्मूले पता होना चाहिए, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, ठीक है, और एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2at2। इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आएगा अप्लाई करने के लिए, फिर आपको पता होना चाहिए जो शुरू की स्पीड होती है वी होती है वेलोसिटी, बाद में सॉरी शुरू की होती है यू, बाद वाले की होती है वी, ए होता है एक्सेलरेशन, टी होता है टाइम, एस होता है डिस्टेंस। थोड़ा स्पीड से होगा ना, तो थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दूं, ठीक है सॉरी इसके लिए। तो ये जड़त्व क्या, जड़त्व क्या करता है, रोकता है, रुकी है तो रुकी रहे, चल रही है तो चलती रहे,
इसलिए सी आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये 13वां क्वेश्चन देखो, 13वें में ये कह रहा है कि जब असंतुलित बल होगा तो क्या होगा। तो देखो अगर ये अभी कोई चीज पड़ी है, अगर मैं इसको इसकी जगह से हटा दूंगा ना तो इसे बोलते हैं असंतुलित बल, और अगर मैं इसको बहुत फोर्स लगा रहा हूँ हिला नहीं पा रहा तो ये होगा संतुलित बल, मतलब बैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स जब हम करेंगे तो क्या देखेंगे, एक्सेलेरेशन। ये कह रहे यूनिफॉर्म, ऐसा थोड़ी है कि जब मैं धक्का मारू तो हमेशा एक स्पीड से जाएगा। देखो जब मैंने मारा तो पहले कैसे गया फिर कैसे गया, है ना, इसलिए सी आंसर है। चैप्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए बच्चों, तभी आप डीपली करोगे, तभी आप कर पाओगे। ये खरपतवार जो है ना, आपका चैप्टर खरपतवार पूछ रहा है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ होगा, ठीक है। तो इसका क्या है, पार्थेनियम, ठीक है, सी आंसर है इसका। ये आप बुक में ना, बुक में आप देखोगे ना तो आपको इजी तरीके से फटाफट मिल जाएगा। जहां पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ पर ये लिखिए। अब आप में हो सकता है ये वाला आ जाए, क्योंकि ये टेबल ही बहुत बार आ रखी है कि कौन सा सबसे ज्यादा पोषक चाहिए होता है, कौन सा सबसे कम पोषक चाहिए होता है। हवा से क्या मिलता है, मिट्टी को, मिट्टी की बात हो रही है, पानी से क्या मिलता है, और ये अंतरा फसलीकरण क्या होता है, देसी गाय विदेशी गाय के नाम क्या है। तो अब चैप्टर एकदम नहीं हो पाएगा ना, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि ये कहाँ से चीजें आती हैं, कैसे बच्चे पढ़ना चाहिए। अभी मिड टर्म है इसलिए थोड़ा सा दिखा रहा हूँ ताकि फाइनल में अच्छा हो, आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, फायदा होगा, ठीक है। अब आगे सुनो, हरी खाद क्या होता है, हरी, देखो ये भी बुक से ही है। अब बच्चे ना ग्रीन मिनट पता नहीं क्या क्या लगाएंगे, जिन्होंने एक एक लाइन पढ़ी है तो वो आराम से बता देंगे, उन्होंने पढ़ा होगा, टॉपिक उसी चैप्टर में है, फिर जब आपका चैप्टर चल रहा है वाला इसी में। देखो फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग या गवार आदि उगा देते हैं और उन पर फिर हल चला देते हैं, तो इसलिए इसको ग्रीन मैन्योर कहते हैं, क्योंकि फसल की ताकत बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो अब समझ गए ना आंसर क्या होगा, ये ना, ठीक है ना, आई समझ। तो वही ना, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा ये बुक दिखा रहा हूँ ताकि आपको ना पता लग सके पढ़ना कैसे चाहिए, अगर अच्छा स्कोर करना तो इस तरीके से पढ़ना होगा। ये कह रहा है कौन सा मछली के फायदे के लिए, देखो मौत हो जाएगी तो हमें कौन सा फायदा हो जाएगा, सी, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये, कुछ क्वेश्चन तो इजी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर ये असेसमेंट रीजन वाले, सबसे पहले चेक किया करो दोनों ट्रू है फॉल्स है। देखो ये कह रहा है वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है VOT, ये अगर एक्सेसिस के पैरेलल है, मतलब किसी ना किसी के पैरेलल होता है, हाँ ठीक है पैरेलल है, ठीक है। और ये क्या है लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मतलब टाइम नीचे मानते तो यानी कि एक्स एक्सिस हो गया, जानबूझ के टाइम लिख दिया ताकि बच्चे कहें यार ये कैसा आ गया। चलो ये तो ट्रू था। ये कह रहा है एक समान गति में समय के वर्ग के साथ साथ किसी कण का वेग बढ़ता जाता है। ये कह रहा है कि अगर टाइम का स्क्वायर करते रहोगे, स्क्वायर ऑफ टाइम, तो क्या होगा कि जो वेलोसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी टियर टू है, बाकी इसको मैं एक बार और भी जो है देख लूंगा, ठीक है। और तो इसका आंसर जो है ए है, ठीक है, और रीजन भी इसका ठीक लग रहा है, ठीक है। ये 17 का। फिर 18वां क्वेश्चन है, जो 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर जो इसने बोला है कि जैसे कि कोलिजन दो बॉडी के बीच में हो रहा है वो ज्यादा वायलेंट होगा अगर स्लो धीरे धीरे टकराएंगे उसके मुकाबले, तो सिंपल सी बात है क्योंकि मोमेंटम का जो रेट है ना वो ज्यादा होगा, तो इसका भी ए है। और फिर यहाँ पर इसने बोला बीम ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है, और क्योंकि ये भी बिल्कुल ठीक है, जो कोलाइडल होता है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोलाइडल में लाइट स्प्रेड हो जाती है, लेकिन अगर आपसे सॉल्यूशन पूछेगा तो उसमें लाइट स्प्रेड नहीं होती, लेकिन अगर आपसे सस्पेंशन बोलेगा, आपसे निलंबन बोलेगा, तो जब मिट्टी डालेंगे तो शुरू में मिट्टी ऊपर होगी इसलिए वहां पे कोलाइडल हो जाएगा, लेकिन जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो कोलाइडल होना बंद, मतलब सॉरी टिंडल इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। याद रखना सस्पेंशन में शुरू में होता है टिंडल इफेक्ट, बाद में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये कोशिकाओं से निर्मित सभी एनर्जी वस्तुएं, ये कह रहा है कि जो भी ऑल नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो सेल से बनी होती है, सेल जो होता है बेसिक यूनिट होती है, नॉन लिविंग थोड़ी बनती है, तो ये गलत है, ये सही है, तो डी आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब बुक के क्वेश्चन है, इसके लिए आपको आंसर की का वेट करना पड़ेगा, मैं अभी इनको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, ओके। बाकी फॉर्मूले अगर मैथ के आपने कर रखे हैं प्लस साइंस के जो है, तो आप आराम से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी कर पाओगे, ठीक है। और आप आराम से आगे पेपर की तैयारी कीजिए, और इससे जो भी आपको कमी लगती है उसे सीख कर आगे बढ़िए और खूब मेहनत करिए, अगर लाइफ में आपको सक्सेस पाओ, ठीक है। और पेपर देख लो, इसके आसपास की चीजें अच्छे से कर लो, ठीक है।
ये इंग्लिश में है, हिंदी में है। बाकी क्या सर आपका एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है वो कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। या और ये पैसेज वगैरह है फिर आपको इसमें पढ़ के अच्छे से आंसर देने हैं, कंसेप्ट लर्निंग आपके अच्छी होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।